हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला, आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी 4 जनवरी 2020 में आपका जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा संपन्न हुई, उसका आयोग ने आंसर की भी दे दिया, बहुत सारे बच्चों ने मिला भी लिया, हमने उससे पहले भी दे दिया था आंसर की, लमसम सेम है। पहले शिफ्ट में कुछ थोड़े चेंजेस हैं और बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल हैं, तो उसके लिए पीडीएफ जल्दी सी टीम आपको दे देगी ताकि आप किस पे क्लेम कर पाएं। तो सभी लोगों ने मिला भी लिया होगा और उसके कट ऑफ एनालिसिस के लिए बहुत सारे बच्चे हमें फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे बार बार कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है। तो एक बात तो आप लोग हमेशा जानते हो, मैं फिर भी दोहराऊंगा कि टीम परीक्षा प्लस कोई भी चीज़ इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहती जिससे किसी भी बच्चे के करियर पर कोई असर पड़े। क्योंकि मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जानता भी हूँ, और ये बहुत बड़ी बात भी होती है हमारे टीम के लिए। हम बहुत खुशी फील होती है कि आप लोग टीम परीक्षा प्लस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आप जानते हो कि हमारी टीम जो इन्फॉर्मेशन देती है, जो कंटेंट देती है, बहुत ही ऑथेंटिक होता है और जल्दबाजी में कोई चीज़ हम ना करते हैं और ना आगे करेंगे। जिसको लेके हमने आपसे एक सर्वे कराया था कि आखिर बच्चे किस शिफ्ट में कितना नंबर पा रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, उनके स्कोर क्या जा रहे हैं, किस शिफ्ट में चेंजेस कितने हैं, उनकी एवरेज वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम आपसे सर्वे कराए थे। सर्वे हम आपसे लोअर एग्जाम में भी कराए थे इससे पहले, जो बच्चे किए हों, आप लोगों में जो पार्टिसिपेट किए हों या जो अलग बच्चे हों वो भी पार्टिसिपेट किए थे, उसमें बहुत सारे आए थे। यहाँ पे थोड़े कम बच्चे पार्टिसिपेट किए, इस बात को मैं फिर से बोलूंगा कि आप लोग जब भी सर्वे हुआ करें तो आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट किया करो, ये आपकी भलाई होती है, इसमें टीम का कोई हित नहीं होता है, सब कुछ आपके हित में किया जाता है ताकि आप बाकी लोगों के बहकावे में ना आए, बाकी लोगों से सुन के बातें डिमोरलाइज ना हो या बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। इन सबको बात में एक बात को ध्यान में रखते हुए टीम परीक्षा प्लस हमेशा आपके लिए कुछ नया, कुछ यूनिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल वे में चीजें लेके आती हैं। तो हम बिना देर के हुए इस बात को समझते हैं, आखिर सर्वे का रिजल्ट क्या है, आखिर टेंडेंसीज कहाँ जा रही है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जा रहे हैं, किस ग्रुप में बच्चे ज्यादा नंबर पा रहे हैं, टॉपर्स कितने में जा रहे हैं, लोवेस्ट कितना मार्क्स जा रहा है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक बार हम पीछे बोर्ड पे देखते हैं जो हमारा टेबल बना हुआ है, ये आपके कुछ रिजल्ट हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आखिर बच्चों ने कैसे मार्क्स गैदर किए हैं और कैसे कैटेगरी के बच्चे हमारे पास हैं। तो एक बात तो आप सभी समझते हो कि लगभग सभी जानते भी होंगे कि करीबन 5 लाख के लमसम में लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 3 लाख लोगों ने, 3.75 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। उसके आधार पे हम ये करेंगे, और हमने जो सर्वे किया, सर्वे में हमारे टोटल 524 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए। ऐसा नहीं है, टोटल हमारी जो वैकेंसी है 1400 के करीब है, 1403 वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से 500 बहुत होता है, लगभग 1/3 हो गया है, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा है ये सर्वे का रिस्पॉन्स इतना। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास, सोचिए कि कम से कम 2 या 3 हजार रिस्पॉन्स होते तो मैं एकदम एग्जैक्ट आपको दे देता, एक पॉइंट भी आपका कट ऑफ इधर उधर ना जाता, ये मैं बात आपको भी फिर से समझाऊंगा। लेकिन मैं अभी पहले इस पे आता हूं, तो टोटल 524 बच्चों ने हमें रिस्पॉन्स दिए फॉर्म के थ्रू, अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर किए, जिसमें मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं, इस 524 में 50 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे, नंबर की बात कर रहा हूं, आप सभी लोग जान रहे हो कि टोटल 65 नंबर का ये पेपर था, 130 क्वेश्चन था, जिसमें एक क्वेश्चन 0.5 नंबर का पॉजिटिव रखता था और निगेटिव उसका 1/4 यानी 0.125 निगेटिव था। तो हम नंबर की बात करें, 65 में से 50 नंबर पाने वाले लड़के, केवल और केवल 5 हमारे पास रिस्पॉन्स आए हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या होता है, आप कभी सोशल मीडिया पे जाओगे या बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा या कुछ भी नहीं कहूंगा उनके बारे में, लेकिन बिना उनको उस पर एनालाइज किए, बिना डेटा को एनालाइज किए वो चीज़ें बता देते हैं, नहीं इतने लोग इतना पाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। आप देखिए 524 में हमारे पास डेटा है, उसमें से केवल 5 बच्चे हमें ऐसे मिले हैं जो 50 नंबर से ज़्यादा पाए हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे समझ में आता है कि हाँ, जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। 12th लेवल की बात करें तो एक 12 कक्षा के स्तर की परीक्षा, जिसमें जीएस इतना, वो भी डेटा टाइप में पूछा, आप में यूपी का देखे थे क्वेश्चन का, तो यूपी में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, हर बार क्या होता था, अभी तक आयोग या कोई भी यूपी में जितनी भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती थी, यूपी से क्वेश्चन क्या पूछते थे, मेला पूछते थे या रिगार्डिंग पॉपुलेशन पूछते थे, सेंसस पूछते थे, ऐसे सारे क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे। इस बार वो थोड़ा सा अलग गया है और यूपी की इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन उठाया है और यूपी की करंट से क्वेश्चन उठाया है उसने। तो यहाँ पे इस बात को भी मैं समझना जरूरी है कि आने वाले परीक्षाओं में योगी यूपी ट्रिपल एससी का पूरा
जो बोल सकते हैं ठेका बोल सकते हैं वो टीसीएस के पास है, और टीसीएस हमेशा हर एग्जाम में कुछ नया करना चाहती है, और इस बार उसने किया, यूपी में क्वेश्चन अलग से उठाए जिसके कारण बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई, और भी अदर जो सब्जेक्ट थे वो भी किया। मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताया था, एक बार आप हो सकता है जाके फिर से देखो कि जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताया था एग्जैक्टली वैसा ही था। मैं पहले ही बोल रहा था कि आपके पेपर में खासकर जीएस सेक्शन की स्ट्रेटजी मैंने फेसबुक पे भी शेयर की थी, आपके मैंने यूट्यूब पे भी बताई थी, और उसमें मैं स्ट्रिक्टली आपको बोला था कि साइंस वगैरह नहीं पूछा जाएगा, एग्जैक्टली एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं है। मैंने बोला था 8 से 9 क्वेश्चन यूपी के होंगे, 8 से 9 क्वेश्चन करंट के होंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ है। यूपी और करंट ही सबसे ज्यादा पूछा गया है आपके जीएस सेक्शन में जूनियर असिस्टेंट के। खैर पेपर जो भी था आप सभी लोग दे लियोगे, उसकी बात नहीं करेंगे, हम सर्वे की बात करते हैं। तो 5 लोग ऐसे हैं, क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल का था, पेपर टफ था 12th लेवल पे, इसलिए बच्चे ऐसा नहीं है कि 65 में से 60 नंबर पाए हैं, 56 नंबर पाए हैं, 57 नंबर पाए हैं, नहीं है ऐसा। क्योंकि एक बात तो आप समझ भी जानते भी हो, मैं कई बार बोला भी हूं कि किसी भी ऑफलाइन पेपर में 10% ह्यूमन एरर होता है, 130 क्वेश्चन का 10% निकाल दिया जाए तो 13 क्वेश्चन तो बच्चे गलत करके आते हैं, और निगेटिव मार्किंग में फिर 13 का 1/4 जाएगा, तो मतलब उनका 15 से 16 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी कीमत पे वो 55-60 नंबर से ज्यादा नहीं पाएंगे। तो 50 नंबर से ज्यादा पाने वाले बच्चे 5 हैं। उसके बाद मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो मैं 4-4 के रेंज में किया हूं, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स 0.5 था, मार्क्स ज्यादा होता तो मैं 10-10 से 5-5 का ग्राफ बनाता नहीं, क्योंकि मार्क्स 0.5 था इसलिए मैं 4-4 का गैप बनाया हूं। 47 से 50 के बीच में, मतलब ऐसे बच्चे जो 50 से तो कम है या 47 नंबर से ज्यादा पा रहे हैं, ऐसे मात्र कितने हैं 45, कितने में से 524 में से, आप समझ रहे हो इस बात को। 44 से 47 के बीच में 84 हैं, और 40 से 44 के बीच में 178 बच्चे हैं, 35 नंबर से 40 नंबर पाने वाले के बीच में 110 बच्चे हैं, 30 से 35 नंबर पाने वाले के बीच में 60 बच्चे हैं। तो ये हमारा एक ग्राफ है, एक हमारा डेटा है जो बता रहा है कि 524 में से बच्चे कहाँ पे, किस ग्राफ में, किस सेक्शन में, किस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और अगर हम ध्यान दें तो 178, आप देख रहे होगे इस पूरे डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू जो दिख रही है 178 दिख रही है, और 178 किस रेंज में है, 40 से 44 नंबर पाने वाले। कहने का मतलब आपका जो पेपर था, आपके जो पेपर का लेवल था, आपके जो एस्पिरेंट्स थे, आपके जो कॉम्पिटिटर थे जिस लेवल के थे, उन सभी लोगों में जिनका सिलेक्शन होना है उसमें मैक्सिमम जो भीड़ होगी वो 40 से 44 नंबर पाने वालों की होगी। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो आपके सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं, जो सिलेक्शन लेंगे, जो कट ऑफ क्लियर करेंगे, उनमें से मैक्सिमम जो है बच्चे वो किस रेंज में आ रहे हैं, 40 से 44 नंबर पाने वाले। तो एक बात तो क्लियर है कि कट ऑफ इसी के रेंज में होगी, लेकिन मैं कट ऑफ एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कितना कट ऑफ जाने वाली है, और उससे कुछ भी गलत नहीं जाएगा, आप अभी देख रहे हैं, और जब कट ऑफ आएगा तो बात, इस बात को आप फिर से वीडियो देखिएगा कि जो टीम एनालाइज करती है, क्योंकि टीम बहुत ही परफेक्ट डेटा एनालाइज करती है, और कभी ये गलत नहीं होगा, कंफर्म बता रहा हूं। तो 40 से 44 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। अब इस डेटा के आधार पे जो टीम है वो सेंट्रल टेंडेंसी निकालती है, सेंट्रल टेंडेंसी से निकालती है कि फिर अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन में इतने बच्चे हैं तो अगर 5200 बच्चों को लेना हुआ, या अभी जैसे हो रहा है कि 1403 वैकेंसी थी आपकी, तो सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 गुना लेंगे, 3 से 4 गुना, या तो 3 गुना या तो 4 गुना। जब 5200 वैकेंसी थी पिछली बार, तब उन्होंने 4 गुना बच्चों को बुलाया था टाइपिंग के लिए, इस बार ज्यादा केस है कि आपका 3 गुना बुलाएगा, हो सकता है 4 गुना बुला ले, वो अपनी सुविधा पे बुलाएंगे, क्योंकि क्या होता है आपको टाइपिंग भी कराना होता है तो कंप्यूटर पे वो कराएंगे अपने, उन्हें सॉफ्टवेयर देना होता है, उन्हें सिस्टम देना होता है, और एक बार में वो 50 लोगों को कराते हैं, एक स्लॉट में 50 लोगों को बुलाएंगे, एक का कराएंगे फिर 50 का कराएंगे, 5 मिनट का समय दिया जाता है आपका हिंदी इंग्लिश और दोनों मीडियम में, तो टाइपिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अलग से भी दे दी जाएगी, 5 मिनट का हिंदी, 5 मिनट समय दिया जाएगा हिंदी के लिए भी टाइपिंग, और इंग्लिश के लिए भी 5 मिनट का ही समय दिया जाएगा, हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट होता है और इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट होता है। तो क्योंकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा उनके पास सिस्टम भी नहीं होता है, और बहुत ज्यादा बच्चों को ऐसा नहीं है कि भीड़ बटोर लेंगे, तो 3 गुना या 4 गुना ही लोगों को बुलाएंगे, लेकिन हम 3 गुना मान के चलते हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन में ही रखते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो अभी टीम मान के चल रही है कि 3 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, पिछली बार ये डेटा 4 गुना था, इस बार टीम 3 गुना बोल रही है, 4 गुना भी हो सकता है, वो आयोग पे डिपेंड करता है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है क्लियर, ठीक है। तो अगर 3 गुना बुलाएगी तो 1403 का 3 गुना होता है आपका 4209, यानी 4209 बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई करने वाले हैं टाइपिंग के लिए।
अब हमारे पास उस 4209 बच्चों में से 524 बच्चों का आंकड़ा आ गया है। आप समझिएगा, अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक टेबल हम लोग और देखते हैं कि जो आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट किसी शिफ्ट में, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का डेटा है और ये आपका इवनिंग शिफ्ट का डेटा है। मॉर्निंग शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर पाने वाला जो बच्चा है वो पाया है 50.625 नंबर, 50.625 नंबर पाया है। और वहीं इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो हाईएस्ट जो बंदा पा रहा है वो 52.25 पा रहा है। अब यहाँ पे आता है नॉर्मलाइजेशन का रोल। आप लोग नॉर्मलाइजेशन सुनते होंगे, तो मैं एक बात तो क्लियर कर दूं, नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा रोल वहां प्ले करता है जिस एग्जाम में 20 से 25 शिफ्ट होते हैं, जैसे SSC वगैरह के एग्जाम, CGL, CHSL, इन सब में 20 20 25 25 शिफ्ट होते हैं, वहां पे अपना सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे ऐसे एग्जाम में जहां पे केवल 2 शिफ्ट में पेपर हो गए हैं, नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। हाँ, जो पहले आते हैं, जो जैसे कि पहले शिफ्ट वाले बच्चे, उनके स्कोर औसतन कम रहते हैं बाकी के शिफ्ट वालों को, क्योंकि बाकी के शिफ्ट वाले जो होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है क्वेश्चन किस स्तर पे पूछ रहा है, तो नहीं कुछ तो माइंड मेकअप बन जाता है और उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 4-5 क्वेश्चन का फर्क पड़ता है जो आपको दिख रहा है, 50.625 और 52.25 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन का फर्क है। और ये नॉर्मलाइजेशन अपना रोल प्ले करेगा, तो मान के चलो कि ये फिर ऑन एवरेज 51 ही मान के चलिए ये जो टॉपर होगा वो ऐसे ही जाएगा। अभी हम लोवेस्ट की बात करें मॉर्निंग शिफ्ट में, तो लोवेस्ट पाने वाला 21.25 है और वहीं पे आपका इवनिंग शिफ्ट में लोवेस्ट जो बच्चा है 21.125 है। ये वो नंबर है उन टॉपर का है जिनके आंकड़े हमारे पास है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा कोई पाया नहीं होगा, हो सकता है भाई 3 लाख लोग, 3.25 लाख लोग बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम दिए हैं, हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि 55 नंबर पाया हो, कोई ऐसा भी हो 57 नंबर पाया हो, लेकिन वो डेटा मेरे पास नहीं था इसलिए मैं उसे इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। अगर आप लोग बहुत अच्छे बहुत मन से पार्टिसिपेट करते तो मैं एग्जैक्टली आपको डेटा देता। मैं तो चाह रहा था, मैं आपसे 2000 का बोला था कि मुझे 2000 बच्चों का डेटा चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए, ताकि मैं आपको 100% सही कट ऑफ बता पाऊं। लेकिन आप, ये आप में कमी है या क्या है, ये तो मैं इस बात को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मे बी आप लोग जो भी आपके दिमाग में होता है नहीं करते हो, वो आपकी बात है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा अगर फ्यूचर में कोई प्रोग्राम आता है तो ये आपके हित में है। सर्वे में टीम का कोई हित नहीं होता है, केवल समय जाता है, टीम की बहुत मेहनत जाती है, लगातार 4 दिन 2 से 3 एनालिस्ट बैठ के सेंट्रल टेंडेंसीज पे काम कर रहे होते हैं, पूरे डेटे का एक एक आंकड़ा निकालते हैं, तब जाके रिजल्ट आपके सामने आता है। तो आपके लिए मेहनत की जाती है, बाकी किसी के लिए नहीं की जाती है, ये आप समझदार हैं। बाकी तो हाईएस्ट देखा जाए तो 50 मॉर्निंग शिफ्ट में, लोवेस्ट देखा जाए तो 21.25। अगर मैं एवरेज की बात करूं, क्योंकि हमें जो भी डेटा निकालना है वो एवरेज पे ही निकालना है, अगर एवरेज की बात करूं तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले में जो एवरेज नंबर है वो 39.79, आप देख पा रहे होंगे 39.79 नंबर एवरेज है। मतलब अगर हम सारे बच्चों का, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का सारा नंबर जोड़ लें और कितने बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में थे उससे डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा कि मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 39.79। और अगर हम यही बात इवनिंग शिफ्ट में करें तो एवरेज हमारा 40.99 हो रहा है। देख रहे हैं शिफ्ट के थोड़े से फर्क से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, एक नंबर का फर्क आया, मतलब 2 क्वेश्चन का फर्क आया है। तो नॉर्मलाइजेशन अब दिमाग से निकाल दो, नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा रोल प्ले होने वाला है, कुछ नहीं रोल प्ले होगा, बहुत ज्यादा तो 1-2 क्वेश्चन का रोल प्ले होगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों शिफ्ट में एवरेज मार्किंग है। अब हम आते हैं कि आखिर हमारे पास तो डेटा पता चल गया कि किस शिफ्ट में कितना एवरेज दे रहे हैं, ये पता चल गया कि किस में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पे सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर कट ऑफ क्या जाने वाला है। बच्चे परेशान भी हैं, एकदम जगह जगह ढूंढ रहे हैं, जगह जगह सर्च मार रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि देखो क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए आपको, आखिर आप करके आए हो तो आप अपना रिजल्ट जानने के लिए आपको क्यूरियस तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्यूरियस नहीं रहोगे, आप एकदम लापरवाह हो जाओगे, तो इसका मतलब आप कॉम्पिटिशन में नहीं हो, आप अपनी पढ़ाई सही नहीं करते, या तो फिर आप ऐसा केस हो सकता है बहुत ज्यादा कूल हो, भाई आपको मालूम है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, मुझे सब कुछ आता है, या तो ये केस हो सकता है, या तो फिर आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो। क्यूरियस होना जरूरी है, आपको जानना चाहिए, लेकिन परेशान होना जरूरी नहीं है। क्यूरियसिटी एक अलग चीज है और परेशान होना अलग चीज है। परेशान क्यूरियसिटी में क्या है, क्यूरियस बंदा तो चाहता है कि मुझे पता चल जाए लगभग क्या हो, वो थोड़ा बहुत खुद से एनालाइज करता है, खुद से स्ट्रेटेजी बनाता रहता है। जो परेशान बच्चा होता है वो केवल उसे लेके पढ़ जाता है, फिर उसे किसी को नहीं सुनता, कान का कच्चा होता है, जो बोलता है उसी को मान लेता है और अपने कंफर्ट जोन में रहकर बाकी परीक्षाओं को ध्यान ही नहीं देता है, भले उसका दूसरे दिन पेपर लगा हो, तो ये नुकसान हो जाता है। क्यूरियोसिटी अलग चीज है, परेशानी अलग चीज है, इसमें डिफरेंस आप समझिएगा। तो अगर 178 बच्चे हमारे 524 पूरे आंकड़े में 40 से 44 के बीच में हैं, तो यहां से हमें पता चलना चाहिए कि आखिर कट ऑफ कहां जाएगा। देखिए अगर हम इस 524 आंकड़े को
3 लाख पे लेके जाए। मान के चलो कि अगर ये मेरे पास तो 524 का आंकड़ा आया, मेरे पास 3 लाख पूरा आंकड़ा आ जाता, तो लोग कहाँ सबसे ज्यादा आते। इसके लिए निकाली जाती है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से हमें ये पता चलता है कि अगर मेरे पास नेक्स्ट 1000 बच्चे आएंगे तो किस डिस्ट्रीब्यूशन में कितने कितने बच्चे जाएंगे, और ऐसा हमेशा उस पर जाता है जिसकी सेंट्रल टेंडेंसी सबसे मैक्सिमम होती है। तो याद रखिएगा, अगर मैं 1000 बच्चों का रिस्पॉन्स और मिलता तो यही वाला पार्ट सबसे ज्यादा बढ़ने वाला था, 2000 बच्चों का होता तो भी यही वाला पार्ट सबसे ज्यादा बढ़ने वाला था। अब देखो 178 में से 200 मान लो, 200 में से 500, समझ रहे हैं, करीबन आपका 40% बच्चे, 40% बच्चे यहीं पे हैं। तो जाहिर सी बात है 40 से 50% अगर यही कवर कर ले रहा है, तो अगर जो भी आएंगे 1000 आएंगे तो 500 बच्चे तो आके यहीं पे गिरेंगे। लेकिन हमें यह बात को ध्यान रखना है कि 1403 केवल आपकी वैकेंसी थी, जिसके लिए वो 3 गुना बुलाएगा, जिसके लिए आपको 4209 बच्चों को सेलेक्ट करेगा। तो हम इस टेंडेंसी को उस 4200 के डेटा पे मूव करेंगे और तब हमें पता चलता है कि जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो इसी एरिया में कहीं जाने वाली है, इस एरिया में। अब देखो 40 से 44 नंबर के बीच में, ये तो एग्जैक्ट पता चल गया कि 40 से 44 के बीच में ही रहेगी, लेकिन अभी भी गैप बहुत ज्यादा है। ऐसे तो हो जाएगा, आप बोलोगे अरे सर जी आप तो बहुत साफ साफ खेल गए, 40 से 44 तो सब जानते हैं कि इसे के बीच में रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये माने हुए हैं कि उनकी जो कट ऑफ जाएगी वो 45-46 के ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि किसी भी कीमत पे इससे बाहर रेंज में कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ना तो 40 से कम ना तो 44 से ज्यादा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूँ, जो कट ऑफ है जो टीम ने एकदम किया है, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे रफ कर दूं, शायद आपने देख लिया होगा, नहीं देखेंगे तो बैक जाके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप चालाक होते हैं इस मामले में। जो टीम कट ऑफ डिसाइड कर रही है वो 43 मार्क्स प्लस माइनस 2, और ये बहुत ही एग्जैक्ट डेटा है, 43 प्लस माइनस 2। यहाँ पे 2 नंबर जुड़ भी सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अगर अपने आप को थोड़ा और कंस्टेंट करना चाहते हो तो इस 45 प्लस माइनस 2 को 1 भी कर सकते हो। तो 43 प्लस माइनस 1 अगर आप अपने आप को और भी कंसाइज करना चाहते हैं तो मान सकते हैं, और एकदम यही रहने वाला है कट ऑफ आपका। तो जो भी बच्चे 43 नंबर, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ, स्कोर की बात कर रहा हूँ, जिनके भी 43 मार्क्स आ रहे हैं, 43 मार्क्स आ रहे हैं, वो सभी लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दो, लेट मत करो टाइपिंग में। बहुत सारे लोग बाहर होते हैं, केवल 5 मिनट का समय होता है, जब तक आपके पास साउंड प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आपको एक एक की रटी नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपका टेम्परामेंट नहीं होगा, टाइपिंग को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। क्वालिफाइंग है जरूर, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परामेंट अपना रोल प्ले करता है। 5 मिनट के समय में बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है, सब कुछ आपको करना होता है। और सब दूसरी बात, जो टाइपिंग होती है वो सॉफ्टवेयर पे होती है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपको बोलेगा भाई आपका समय हो गया आप उठो, नहीं, टाइमर होता है, टाइमर जैसे जाएगा आपका स्क्रीन आउट हो जाएगा, तो आप उस पर प्रैक्टिस करो। बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इंडिया टाइपिंग वगैरह वेबसाइट है, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे प्रैक्टिस करो, या जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास रखे हो सिस्टम में उस पर प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अंडर एस्टिमेट मत करो किसी भी चीज को, कोई भी छोटी चीज नहीं होती है। टाइपिंग में क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट में आपका ये मार्क्स प्लस आपका जो एकेडमिक होगा वो जुड़ेगा, प्लस 5 नंबर जो आपका एक्स्ट्रा था स्पेशल वाला वो जुड़ेगा। मैक्सिमम लोगों के स्पेशल वाला बहुत कम ही लोगों के पास होता है, लेकिन फिर भी 5 नंबर तो वो ज़्यादा आपसे लेके चलेंगे ही। और जहाँ पे ऐसे ऐसे मार्किंग होती है 0.5 नंबर की, वहाँ पे 5 नंबर तो बहुत ज़्यादा, मतलब 10 क्वेश्चन की बात हो गई, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रख जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी क्या कर सकते हैं, वो तो आयोग का वो है, जिनका है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें खुश रहना चाहिए कि आखिर 5 नंबर वो कहीं मेहनत की अपने लाइफ में, कहीं एक्स्ट्रा टैलेंट है तो उसका उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उनको तो अलग से मिलना चाहिए ही चाहिए। तो 43 प्लस माइनस 1, देखिए यहाँ पे एक बात और समझिएगा, अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या, सर मेरे 42 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं टाइपिंग करूँ कि ना करूँ। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ 43 प्लस माइनस 1 है, 42 वाले बच्चे भी जिनके 42 मार्क्स सही हो रहे हैं वो भी टाइपिंग करते रहें। मैं एकदम ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप मत करो, पहली बात तो टाइपिंग कर लोगे, टाइपिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपके साथ ही रहने वाला है, नहीं इस एग्जाम में तो अगले एग्जाम में। और अभी फिर जूनियर असिस्टेंट के आने वाली है,
इसी बात 2020 में अधीनस्थ में बहुत सारी वैकेंसी जा रही है। रमन सर भी आपको बहुत बारे में बताते भी रहते हैं, शाम को लाइव क्लासेस 8 PM से जो होती है उसमें आप लोग जो भी आया करो देखा करो, उसमें क्वेश्चन कराते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वहाँ पे बताते रहते हैं वैकेंसीज के बारे में, जो भी वैकेंसीज नहीं आने वाली होती क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो सारे बताते हैं। बोल रहा हूँ कि जिनके भी 43 मार्क्स आ रहे हैं वो तो एकदम कन्फर्म मानो कि आपको टाइपिंग मिलेगी ही मिलेगी, जिनके 42 मार्क्स भी आ रहे हैं वो भी आप करते रहो, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, आपका फायदा ही होने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि 42 ही कट ऑफ चली जाए अगर बच्चे नहीं मिले। अब देखिए ये आपकी गलती है कि क्यों मैं आपको कंफ्यूजन में डाल रहा हूं, मेरे पास केवल 524 का आंकड़ा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई 1403 वैकेंसी है, केवल 3 गुना लेता मतलब 4200 लोग होते हैं, 3 लाख लोगों ने एग्जाम दिए हैं, क्या 4200 बच्चे रिस्पांस नहीं फिल कर सकते थे? अगर 4200 बच्चे रिस्पांस फिल कर देते तो ये आंकड़ा मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच करा देता। टीम में इतना हुनर है कि आपको कहीं भी रिजल्ट का वेट करने की जरूरत ही नहीं थी, ये रिजल्ट परीक्षा प्लस टीम आपको घोषित करके दे देती। लेकिन तब जब ये आंकड़ा हमारे पास कम से कम 4500 लोगों का होता, 5000 लोगों का होता, तब ये आपकी गलती है, थोड़ा बहुत आप करते हो, पता नहीं आपके दिमाग में क्या रहता है, आप क्यों कंफर्ट जोन क्यों घबराए रहते हो। अच्छा कुछ बच्चों ने बोला मुझसे कि अगर आप ईमेल हटा लो नंबर हटा लो तो बहुत लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे। भाई मैं आपको पहले बता दूं कि आपके डेटा से हमें कोई मतलब नहीं होता, ये डेटा गूगल लेता है और आपका डेटा बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। दूसरी बात, आप अपना नंबर और ईमेल ही तो शेयर कर रहे हो, कोई लड़की मांग लेती है नंबर तुरंत दे तो सोचते नहीं हो कि क्या हो जाएगा है? और यहाँ पे जो आपकी इतनी प्रतिष्ठित टीम है, जो इतना ट्रस्ट आपका गेन कर चुकी है, जो आपके इतने हित में सोचती है, वहां पे एक फॉर्म भरने से घबराते हो? एकदम मत घबराइए, आप लोग तो आजकल के ऑफिसर हो, ठीक है ना, तो जो भी आने वाले फ्यूचर में जो भी सर्वे होते हैं उसे आप पार्टिसिपेट करा करिए, आपके हित में होती है चीजें, हमारे हित में कुछ नहीं होती, हमारी तो मेहनत ही जाती है ना। तो फिर से टीम बोल रही है एक बार, 43 ± 1 मान के चलिए, एकदम एग्जैक्ट ये, मैंने हालांकि +2 बोला था लेकिन फिर भी मैं इसे और कंसाइज कर रहा हूं और एग्जैक्टली यही कट ऑफ रहने वाली है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, 43 ± 1 जिनके भी 43 नंबर आ रहे हैं वो टाइपिंग शुरू करें, टाइपिंग भी आपकी जल्दी हो जाएगी, आयोग आपका नोटिफिकेशन भी दे देगा उसको डेट को लेके। तो ये तो हमारा सर्वे था, सर्वे रिजल्ट था, रमन सर द्वारा शाम को 8 बजे लाइव क्लासेस होती है, उसमें बहुत सारी डिटेल देते हैं तो आप उसे अटेंड किया करिए। जो हमारे अन्य प्रोग्राम है वो BU क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है, अभी 100 से ज्यादा बच्चे इनरोल कर चुके हैं इसमें। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, 399 का प्लान है केवल, बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, इतना अच्छा कंटेंट मार्केट में ना तो इतने सस्ते में कहीं मिला है और ना ही आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है, ये टीम गारंटी लेती है। अभी लोअर का एग्जाम बहुत सारे बच्चे की ओर से पूछते रहते हैं, लोअर का रिजल्ट कब आ रहा है, लोअर का रिजल्ट आ रहा है, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि लोअर का रिजल्ट इसी जनवरी माह में आने वाला है। आप सभी लोग बहुत इत्मीनान से माइंड मेकअप करके तैयारी करना शुरू करो, वेट मत करो रिजल्ट का, बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा मेंस को आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज इसी बार उसे क्लियर करनी है। एकदम वेट मत करो, आप पढ़ते रहो, मैथ्स है रीजनिंग है, आप कम से कम उसे तो लगाते रहो, क्योंकि लास्ट टाइम में यही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रैक्टिस नहीं होने, प्रैक्टिस करने का समय कम हो जाता है। GS तो आप बाद में पढ़ सकते हो, हिंदी आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो, यहाँ पे GS और मैथ का रोल थोड़ा ज्यादा है, मैथ और साइंस वाले पार्ट में 37-37 क्वेश्चन लगभग आएंगे, जैसा लोअर टू में उसने कराया था 38-37 क्वेश्चन मान के चले, 38 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 37 क्वेश्चन आपका साइंस का होगा। तो मैं एक आपको बता दिया हूँ, एनालिसिस बता दिया हूँ कि 38 क्वेश्चन मैथ होंगे, 37 क्वेश्चन आपका साइंस होगा, आपका 25-25 मैथ्स रीजनिंग और हिंदी लेके जा रहा है, 75 क्वेश्चन GS लेके जाएगा। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दो लोअर के लिए भी, और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप हमें बताओ, टीम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम हमेशा लाने की कोशिश करती है और लाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।